से निकला था ना मैं अभी, तब वहाँ पे गर्मी था, बीच में बारिश आ गई, अभी इस एरिया में ठंडी है, साथ में फॉग भी है। देखो तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हालचाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग डायरेक्ट रोड पे। तो हमारा राइड ही शुरू होता है ऑफ रोडिंग से, तो मेरे को ऑफ रोडिंग के लिए किधर ट्रेल व्रेल पर नहीं जाना पड़ता है, हमारा घर ही सब ट्रेल है इधर। यार ये सुबह सुबह का मौसम कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाला है। मैंने बोला ना बारिश जैसा मौसम है ये, देखो जहाँ मैंने बोला ना उससे 2 किलोमीटर आगे आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट हाईवे पर पहुँचने वाला हूँ और इधर बारिश है। देखो ये क्या सीन हो गया रे, मेरे शूज भी गिल्ले हो गए। ये बर्स हमारे साथ जा रहा है, देखो DNH एक्सट्रीम राइडर, ओके। ये कुछ दूसरी बाइक चलाता है लेकिन वो गाड़ी आज सर्विस में है, तो आज ये कौन सी वाली गाड़ी लेके आया मेरे को नहीं पता कौन सी गाड़ी है। और कुछ लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं पीछे से, और बाकी अपने सिलवासा के कुछ दोस्त लोग हैं तो वो लोग आ ही रहे। अरे ये क्या, यहाँ बारिश नहीं है, ये क्या सीन हो गया साला, वो बॉर्डर था क्या बारिश का। शिवर से निकला था ना मैं अभी, तब वहाँ पे गर्मी था, बीच में बारिश आ गई, अभी इस एरिया में ठंडी है, साथ में फॉग भी है। देखो तो मेरे भाइयों पूरा तो कब का निकल गया, हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड राइड करते हैं, क्योंकि क्या यार वो 10 किलोमीटर थोड़ी ना राइड करने के लिए आते हैं, मतलब थोड़ा हाईवे पे निकले तो चलो कम से कम 20-25-30 किलोमीटर तो करो। हम लोग यहाँ पे रुके थे चारोटे टोल प्लाजा, अभी हम लोग जा रहे हैं अहूरा, और ये कोई नहीं है एक्सट्रीम राइडर मेरे साथ है बस। मेरा भी यार बहुत दिन हो गया था नहीं निकला था, तो मेरे को बहुत बोर मारने लग जाता है। बाकी जैसा नहीं है कि मेरे को भाई उठना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, उठता तो मैं रोज़ ही वो जल्दी, तो इसी बहाने आज संडे राइडिंग। ये कौन सा नया होटल खुला है, जलाराम ऑथेंटिक काठियावाड़ी टेस्ट, पर हम लोग को जाना है और जाने दो अभी, और उधर आज इधर चल रतन, इधर चल दूसरी जगह पे बाद में चल, वो वाला देखना यही लोग तो है वो सब। तो गाइस टेनर ये भूसा देखना कितना डेंजर लगता है, ये तो सूरत से ख़रीदा है लग रहा है, ड्रीम सुजुकी है ना, सूरत से लिया है गाड़ी, नई वाली ना 800 आता है तो बजाते ही आता है। हाँ ये ना ये साला ये बहुत ज़्यादा सही मिला है ना, देखते वीलियाँ, देखो वीलियाँ, रहने दे रहे हाईवे पे साला ठोका बोका गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रिक्शन भाई, रिक्शन भाई,
यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, इधर से करते 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 यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे अभी भी झगड़ा चल रहा है। ऐसे 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 यहाँ से वो उधर पहुँच गए। लंबा चौड़ा झगड़ा चलने वाला है, वो वहाँ पहुँच गए भाई। अभी झगड़ा करते करते इधर से ऐसे यहाँ पे भारी झगड़ा हो गया था, और यहाँ पे पूरे गाड़ियाँ लगी हुई है, और झगड़ा शायद थोड़ा ख़त्म होने पे आ गया है। एक ये ग्रुप और एक वो ग्रुप, भाई दोनों ग्रुप में झगड़ा शुरू। बाकी झगड़ा देख लिया तो बाइक भी देख लो आप लोग थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ झगड़ा होने के बाद हम लोग हमारा बन मस्क खा रहे हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है बन मस्का और चाय, और शायद से अभी भी झगड़ा हो सकता है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ तो जम रही है, पर भाई मैं पहले खा लूँ, बहुत भूख भी लग रहा था। वीडियो में कैसा लगा, मजा आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और झगड़ा होता ही रहता है, तब तक झगड़ा देखा होगा तो ऐसे झगड़ा मत किया करो। और फिर अभी मैं निकलूँ सर, मेरा हो गया बैटरी लो। बाय बाय, सब्सक्राइब करते रहो गाइस, शेयर मारो।